स्वागत है। आपसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे, खुश होंगे और अपने घर में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इन चार इंग्रेडिएंट से, बेसिकली तीन ही हैं, तीन भी नहीं दो हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम होम मेड रिंकल फ्री स्किन कैसे कर सकते हैं, टाइटनिंग कैसे कर सकते हैं, क्लिनजिंग कैसे कर सकते हैं सिर्फ एक फेस पैक, जिससे हम रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे अगर इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए। स्किन की टाइटनिंग भी होगी, वाइटनिंग भी होगी, क्लिनजिंग भी होगी, मॉइस्चराइजिंग भी होगी, ठीक है। और नेचुरली तौर पे हमारे फेस पे ग्लो आएगा। इसको हम टोमाटो मास्क भी कह सकते हैं, रिंकल मास्क भी कह सकते हैं, शाइनिंग मास्क भी कह सकते हैं, ऑल इन वन है। सो इसको बनाने का तरीका कुछ यूँ है। इसके लिए हमें सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले हमें चावल लेने हैं, ठीक है। पहले हमें अनकुक चावल लेने हैं और इनको भिगो के रख लेना है, ठीक है। ये मैंने भिगो के और लो फ्लेम पे पकाए हैं, ठीक है। इनको लो फ्लेम पे 1 कप पानी लेना है, 2 से 3 चम्मच चावल लेने हैं। उनको लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से पका लेना है और उनका पानी निकाल लेना है। चावल निकाल के साइड पे रख देने हैं, सिर्फ 2 से 3 चम्मच चावल चाहिए, बाकी आप साइड पे रख सकते हैं निकाल के। बॉयल करने के बाद जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, इतना सा, ठीक है, तो इसको 2 चम्मच हमने वो पानी चाहिए चावलों वाला और 2 चम्मच भी इसमें या 1 चम्मच चावल होना चाहिए मांस बनाने के लिए, ठीक है। बाकी हमें चावल अलग से निकाल लेने और पानी भी एक्स्ट्रा निकाल देना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब का अर्क डालेंगे। इससे हमारे फेस पैक में तो बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी रोज़ पेटल्स की, और दूसरा हमें स्किन पे ग्लो आएगा, नेचुरली मॉइस्चराइज भी करेगा। इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब का अर्क, 1 टीस्पून के बराबर ही डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें गुलाब का अर्क डाला है, रोज़ वाटर, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो पल्प, इससे हमारी क्लिनजिंग होगी स्किन की सारी, जो सन टैन होता है वो बेस्ट रिमूवल होता है सन टैन का ये टमाटो पल्प। अगर टमाटो पल्प नहीं यूज़ करना तो आप इसका टमाटो का जूस भी ले सकते हैं, इसका जूस निकाल लें किसी भी छन्नी से निकाल के तो जूस भी निकल सकता है। अब हम इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास एक मास्क की शक्ल में आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद ये हमारे पास कुछ क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। ऐसे मास्क के फॉर्म में हम इसको अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, देख सकते हैं ये कितना थिक है। इसको अच्छे तरीके से फेस पे मास्क की सूरत में अप्लाई करें। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ टमाटो जूस मिलाया है, चावल बॉयल, उसका स्टार्च मतलब कुछ जो पिच निकलती है वो, और चावल, ठीक है। 2 चम्मच वो पिच होंगे और 2 ही चम्मच चावल होंगे और 1 चम्मच टमाटो जूस होगा, 1 चम्मच रोज़ वाटर होगा। इन तीनों को मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको यूज़ करने का तरीका, एक मिनट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इसको यूज़ करने का तरीका 15 से 20 मिनट इसको लगाएं अपने फेस पे। जब ये ड्राई हो जाए तो आपको टमाटो की मदद से इसको रिमूव करना है, ठीक है। फेस पे अच्छे तरीके से स्क्रब करनी है, हाथों पे स्क्रब करनी है और इसको रिमूव कर लेना जहाँ पे मर्जी। आपका स्किन टैन होगी, रिंकल होंगे और वो भी रिंकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, टैनिंग भी सॉल्व हो जाएगी, मतलब नकल्स ब्लैक होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे इसकी मदद से, और आपकी स्किन ब्राइट करेगी, ब्राइट हो जाएगी, शाइन हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी, ग्लो करना शुरू कर देगी। इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा इस ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी होम रेमेडीज़ अप्लाई करने से पहले अपने पैच टेस्ट ज़रूर किया करें, क्योंकि किसी को किसी से एलर्जी है, नो आइडिया, सो पैच टेस्ट ज़रूरी है। पैच टेस्ट करने के बाद आप इसको अप्लाई करें और इसकी अफादियत हासिल करें। और अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।